नमस्कार प्यारे बच्चों, समय का सही सदुपयोग करते हैं और सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी। हमारी आज की कहानी का नाम है आमने सामने। बच्चों, दादा दादी की नोकझोंक किसे अच्छी नहीं लगती। ये कहानी आमने सामने दादा दादी की इन्हीं प्यारी प्यारी नोकझोंक पर आधारित है। जलेबियों का जवाब नहीं है, दादाजी ने अपनी नुकीली मूछें सहलाते हुए कहा। हरगिज नहीं, मेरे हलवों के आगे फीकी हैं। खरगोश जैसी फुर्ती से नथुने फुलाते हुए दादीजी ने कहा। ऐसा तो तुम्हें लगता है, दादाजी अपनी आवाज जरा ऊंची करके बोले। जी नहीं, ऐसा मैं जानती हूँ, दादी जी ने जवाबी हमला किया। ऐसी बात है तो चलो मुकाबला हो जाए। अगर तुम और तुम्हारे हलवे भयभीत ना हो तो देखना, दादाजी ने पासा फेंका। भयभीत? बिल्कुल नहीं। चलो दिन और समय तय करो, मैं और हलवे दोनों तैयार मिलेंगे तुम्हारी जलेबियों के छक्के छुड़ाने को। अच्छी बात है, तो आगामी रविवार को 4 बजे शाम का समय तय रहा। पक्का, मैं अपने विजेता बनने वाले हलवों को बता देती हूँ, तुम भी अपनी निश्चित हार का मुंह देखने वाली जलेबियों को बता देना। इससे पहले कि दादाजी का कोई जवाब सूझता, दादीजी कमरे से बाहर चल दी। दादाजी एक हृष्टपुष्ट आदमी थे, जिन्हें देखकर लगता था कि उन्होंने 65 वर्ष बहुत मजे से गुजारे थे। वे लंबे और चुस्त थे, एक नामी बैंक के प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। दादी जी साधारण लंबाई की दुबली सी महिला थीं, पर उनकी ऊर्जा तो मानो जैसे पूरे 500 वाट। वे लगभग पूरी उम्र स्कूल की प्रधानाध्यापिका रही थीं और हर किसी के साथ अपने छात्रों जैसा बर्ताव करती थीं। दोनों अपने पोती पोता 11 वर्षीय साक्षी और उससे 1 साल छोटे साकेत के साथ रहते थे। बच्चे मोहल्ले के एक वीरान से पार्क में रोज हॉकी खेलने आते थे। उस पार्क के 2 भाग किए गए थे, एक में लड़के यानी दादी जी के हलवे खेलते थे और दूसरे में लड़कियां यानी दादाजी की जलेबियां खेलती थीं। दादाजी को मधुमेह की शिकायत थी और उन्हें मीठा खाना मना था, इसलिए वे बैठे बैठे भी मिठाइयों के सपने लेते रहते थे। उन्होंने दोनों टीमों का नाम अपनी मनपसंद मिठाइयों पर रखा था और ये नाम चल पड़े थे। हर शाम दादाजी और दादी जी अपनी टीमों का अभ्यास देखते थे। दोनों अपनी अपनी टीमों को संभालते भी थे और मुकाबलों में उनका हौसला भी बढ़ाते थे। क्या जलेबियों के साथ मैच? हलवों का कप्तान नरेंद्र चौंका, हम लड़कियों की टोली से कैसे खेलेंगे? आगे से सब हमारा मजाक उड़ाएंगे, गोली राजेश ने अपनी मन की बात कही। कैसी बात कही आपने दादी जी, हम लोग लड़कियों के साथ कैसे खेल सकते हैं? वे सब की सब इतनी नकचड़ी हैं। डेविड ने भी अपनी बात सामने रखी। अरे ओ अकलमंद, मैं भी तो एक लड़की हूँ, मुझे नकचड़ी कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दादी जी ने डेविड के साधारण से कुछ ज्यादा लंबे बाएं कान को मरोड़ते हुए कहा। पर दादी, आप लड़की थोड़े ही ना हैं, आप तो हमारी प्यारी प्यारी दादी जी हैं। साकेत ने दादी जी के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा। दादी जी मुस्कुराई और अपने चेहरे पर दूसरा भाव लाके बोली, यानी मेरे हलवे नकचड़ी लड़कियों से घबरा गए, है ना? तुम लोगों को लगता है कि वो तुम्हारा असल में हलवा बना देंगी?
अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, सब लगभग एक आवाज में बोल उठे। हम उनसे कहीं भी कभी भी खेल सकते हैं, नरेंद्र ने कहा। हो जाए दादी, ले आइए उन्हें, राजेश ने अपनी पतली बाजुओं को मोड़कर पहलवानी अंदाज में कहा। मैंने सही सुना क्या दादाजी? आप चाहते हैं कि हम हलवों के साथ मैच खेलें? जलेबियों की उप कप्तान गीतिका ने अपने हाथ कमर पर रखते हुए पूछा। तुमने सही सुना मेरी प्यारी जलेबियों, दादाजी आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम उन बिगड़े हुए छोकरों के साथ खेलेंगे? रेहाना ने ताव से पूछा। वैसे उसका जुड़वा भाई रोशन भी हलवों की टीम में था। हमारे पास उन बेकार के लड़कों के साथ खेलने से अच्छा कोई और काम नहीं है क्या? वैसे भी उन्हें ढंग से खेलना नहीं आता, हम अपना खेल खराब नहीं करना चाहते, साक्षी ने कहा। यानी मेरी जलेबियां डर गईं कि हलवे उनका कचूमर बना देंगे? हाँ, क्या बात की आपने दादाजी, खुली आंखों से सपना मत देखिए। हम बड़ी आसानी से उनको चारों खाने चित कर सकते हैं, वो हमसे क्या जीतेंगे? क्या कहते हो साथियों? कप्तान सारा ने गर्व से पूछा। जलेबियां जोश से चीखती हुई इकट्ठी हुई और दादाजी अपनी भरी पूरी नोकदार मूछों के पीछे से मुस्कुरा दिए। हलवों और जलेबियों के बीच मुकाबले की घड़ी आ चुकी थी। इधर दादी जी ने, जिन्होंने अपनी जवानी में कॉलेज की टीम में हॉकी खेली थी, हलवों को कुछ नए पैंतरे सिखाए थे। उधर दादाजी ने प्रबंधन और समूह में मिलजुल कर काम करने की अपनी पढ़ाई और तजुर्बे को काम में लाते हुए जलेबियों को सीख दी थी। दादाजी के सुबह की सैर के दर्जन भर मित्र थे। दादी जी के भी 20-22 दोस्त थे जिनके साथ वे आधुनिक नृत्य की कक्षा में जाती थीं। दोनों ने अपने मित्रों को इस मुकाबले को देखने और टीमों का उत्साह बढ़ाने के लिए बुलाया था। इस महादंगल को देखने कई माता पिता और स्कूलों के शिक्षक भी पहुंचे थे। मोहल्ले के मूंगफली और आइसक्रीम वाले ने भी अपनी रेड़ियां इस दमदार मुकाबले के स्थान पर ही लगाई थी। उधर सीटी बजी और इधर मुकाबला शुरू हुआ। पहले दांव से ही जलेबियों ने अपना आक्रमण बनाए रखा और हलवों ने बड़ी कामयाबी से उन्हें रोके रखा। 10 मिनट बाद पैंतरे बदले और युद्ध जारी रहा। पहले हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई और ना ही दूसरे हाफ में। अतिरिक्त समय का खेल चला। मैच के हर रोचक क्षण के साथ साथ दोनों टीमों के समर्थकों का चिल्लाना, ताली बजाना और कभी कभी चिढ़ाना जारी रहा। दादी जी जो एक चुस्त सी गुलाबी सलवार कमीज पहने हुए थी, इतना चिल्ला रही थी कि मैच के बीच में ही उनकी आवाज बैठ गई। दादाजी खेल के तनाव में अपनी मूंछ के बाल खींचते रहे। अगर दादी जी ने बार बार उनकी ओर गुस्से से देखा न होता तो शायद मैच के अतिरिक्त समय तक पहुंचते पहुंचते उनकी मूंछ ही न बचती। मैच के दौरान 2-1 बार दादी जी ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया कि दादाजी के चेहरे का रंग दादी जी के सलवार कमीज जैसा गुलाबी हो गया। दर्शक खेल छोड़कर दादाजी दादी जी की ओर ताकने लगे थे, जो अपने बचपने में पहुंच चुके थे। अतिरिक्त समय के 9वें मिनट में सारा ने, जो कि टीम की सबसे तेज फॉरवर्ड खिलाड़ी थी, ज्योति का पास संभाला और 3 लड़कों को चकमा देते हुए गेंद को गोल के भीतर दाग दिया। दादाजी खुशी से उछके और उन्होंने दादी जी के गाल का एक चुंबन ले लिया। दादी जी शर्माई और पल भर के लिए भूल गईं कि हलवों के लिए ये गोल एक मुसीबत थी। हलवों ने जोर शोर से बदला लेने के लिए खेल शुरू किया। डेविड ने साकेत को गेंद पास की, जिसने मैदान की दाहिनी ओर से पूरी गति के साथ उसे नरेंद्र को पहुंचा दिया।
कप्तान ने विरोधी गोली शैलजा को अपनी ओर आते देखा और उसे जरा सा चकमा देते हुए गेंद को गोल के भीतर पहुंचा दिया। दादी जी ने दर्शकों की तालियों के बीच सांबा, डिस्को और ब्रेक डांस के कई मिले जुले ठुमके लगाए। अब तो मैच का रोमांच पूरी तरह से सब पर छा चुका था। खेल के आखिरी मिनट में दोनों टीमें एक दूसरे को हराने के लिए गोल दागने की भरसक कोशिशें कर रही थीं। गेंद रेहाना के पास थी और ज्यों ही वह गीतिका को देने के लिए आगे बढ़ी, पीछे से अचानक एक काली सी चीज बिजली की सी तेजी से मैदान की ओर लपकी। यह तूफान था, साक्षी और साकेत का पालतू नटखट कुत्ता। वह नाटे कद का बड़ा फुर्तीला कुत्ता था। दौड़ में पूरे मोहल्ले में उसका मुकाबला नहीं था। उसे गेंद से खेलना बड़ा अच्छा लगता था, पर पिछले हफ्ते भर से उसे गेंद के पास भी फटकने को नहीं मिला था। जब भी उसने कोशिश की, साक्षी या साकेत ने बरज दिया था। वह चुपचाप किनारे से उस सफेद गोल मजेदार गेंद की ताक में था। अचानक जब उसे वह गेंद कुछ ही दूरी पर दिखी तो उसने मौका नहीं गंवाया। उसने गेंद को मुंह में उठाया और मैदान के किनारे पर उगी झाड़ियों में घुस गया। वह दौड़ता रहा। उसने दादाजी की सुबह की सैर वाला बागीचा पार किया, दादी जी की नृत्य कक्षा वाला मैदान पार किया और सीधे अपनी दोस्त आंधी के पास जाकर ही थमा। इस बीच हलवों और जलेबियों ने हॉकी की छड़ियां फेंकी और तूफान के पीछे हो लिए। उन्होंने उसे झाड़ियों में खोजा, पेड़ों के पीछे ढूंढा, पार्क की बेंचों के नीचे देखा, कूड़ेदान के अंदर झांका और जहां जहां हो सकता था वहां वहां खोजा। रेहाना और रोशन, ज्योति और नरेंद्र और शैलजा और डेविड ने दो दो के दल बनाकर भी हर जगह ढूंढा, पर गेंद कहीं नहीं मिली। साक्षी और साकेत तूफान को गला फाड़ फाड़ कर बुलाते रहे। अंत में सबने आस छोड़ दी। किसी के पास एक और गेंद है क्या? दादाजी ने पूछा। सबने सर हिलाकर मना कर दिया। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि आखिर खेल में विजेता कौन रहा? मुकाबला बराबरी पर रहा, दादी जी ने फैसला सुनाया। मेरे हिसाब से हलवों और जलेबियों दोनों ने बहुत ही बढ़िया खेला और दोनों ही जीत के हकदार हैं, दादाजी ने हामी भरी। मैं हर खिलाड़ी को एक टी-शर्ट दूंगा, उन्होंने घोषणा की। और मैं भी सभी खिलाड़ियों को कुछ बढ़िया पकाकर खिलाऊंगी। हम कल इसी मैदान में पिकनिक मनाएंगे, दादी जी ने इनाम को मजेदार बना दिया। इन घोषणाओं का खूब तालियों और जोश से स्वागत हुआ। आपसी मुकाबला भूलकर हलवों और जलेबियों ने एक दूसरे से पंजे लड़ाए और एक दूसरे के हाथों पर ताली बजाई। लेकिन दादाजी, अगर दोनों टीमें जीती हैं तो मैन ऑफ द मैच कौन हुआ? हमारे यहाँ मैन ऑफ द मैच नहीं है, बल्कि मैच का चैंपियन है, और वो है तेज तर्रार तूफान। इस मुकाबले का एकदम सही अंत करने के लिए उसे मेरी तरफ से पूरे नंबर मिलेंगे, दादाजी ने कहा और सब के सब हंस पड़े। तो ये थी कहानी प्यारे बच्चों, आमने सामने। इसी के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद।